ਦਰਸ਼ਕੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਗੌਰੀ ਬਨਮੋਰੀਆ ਨਾਲ ਜੋ ਮੁੰਬਈ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਥੀਏਟਰ ਪਲੇਜ਼ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੀ ਟੀਵੀ ਸੀਰੀਅਲ ਵਿੱਚ ਅਦਾਕਾਰੀ ਕਰ ਸਭ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਗੌਰੀ ਬਨਮੋਰੀਆ ਨੇ ਚੈਨਲ ਲਾਈਫ ਓਕੇ ਦੇ ਸੀਰੀਅਲ ਸ਼ਪਥ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਈਫ ਓਕੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਸਾਵਧਾਨ ਇੰਡੀਆ, CID, कोड रेड, ये रिश्ता क्या कहलाता है, डांस इंडिया डांस, क्राइम पेट्रोल, प्यार तूने क्या किया, IPS डायरी, आहट, आस्था सीरियल विच काम किया हुआ है। इस तो अलावा गौरी बनमोरिया ने बहुत सारी एड्स विच भी काम किया हुआ है और बॉलीवुड की मूवी फन्ने खान जिस विच अनिल कपूर, ऐश्वर्या राय बच्चन और दिव्या दत्त ने काम किया है उस पिक्चर विच भी गौरी बनमोरिया ने काम किया हुआ है। तो आओ हुण असीं तुहाडी मुलाकात करवाने हैं गौरी बनमोरिया नाल ते उन्हां नाल गलबात करते हैं। दर्शकों, पंजाब प्लस चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको मनाने जा रहे हैं एक ऐसे कलाकार के साथ जिसने अपने ज़िंदगी का सफ़र बहुत ही छोटी उम्र से शुरू किया और आज तक इसने इस फील्ड में, अपने अभिनय के फील्ड में बहुत बड़ी उपलब्धि प्राप्त की है। हमारी मुराद है गौरी बनमोरिया जी के साथ। गौरी जी, आपका स्वागत है हमारे स्पेशल शो में। गौरी जी, बोलिए कि कैसे आपने छोटी सी उम्र में, 8 साल की उम्र में तो बच्चों को अपने आप को संभालना भी नहीं आता और आपने अपना अभिनय शुरू कर लिया, कैसे? भैया जो मुझसे जो बड़े हैं वो भी एक्चुअली यही करते हैं, डांस वगैरह में उनका ज्यादा इंटरेस्ट है, तो उनकी उनको देख देख के फिर मेरा भी इंटरेस्ट था क्योंकि मुझे फ्रेंड्स से लगने का कोई ज्यादा शौक नहीं था कि फ्रेंड्स के साथ घूमूं, है ना, मस्ती करूं, मजाक करूं, कोई वो नहीं था क्योंकि बचपन से ही, मतलब कि जब भैया को जब से देख रही हूँ वो डांस ही करते थे, पापा के साथ ही चलते थे, तो हमेशा से मुझे भी मेरा भी इंटरेस्ट था कि मैं भी करूँ शुरू। अगर ये तो एक बहुत ही बड़ा जो है एक नेटवर्क होता है और बहुत बड़ा मुश्किल होता है, स्क्रीन पर देखने में हमें बहुत सहज लगता है लेकिन स्क्रीन में प्ले करना वेरी डिफिकल्ट। आपने 8 साल की उम्र से ही, क्योंकि एक हर चीज को अपने को त्यागना पड़ता है, डिसिप्लिन में रहना पड़ता है, कैसे आपने फिर वो मेंटेन किया? मैंने सब कुछ एक्चुअली एक्टिंग भी मैंने सीखी है, मैं मुंबई गई थी तो उससे पहले मैं चंडीगढ़ में थिएटर्स करती थी, थिएटर्स किए मैंने, उसके बाद फिर मुंबई गई, उधर जाके मैंने सीखा, उधर जाके भी मैंने एक्टिंग सीखी थी। एक बहुत बड़े वो है, वो एक्टिंग टीचर हैं, उनका नाम है प्रवेश खान, तो उनसे भी सीखी मैंने एक्टिंग, उसके बाद उन्होंने सब कुछ सिखाया मुझे क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा उनको नॉलेज है इस चीज़ के बारे में, उनका एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है, तब से फिर उन्होंने ही सिखाया जो भी सिखाया मुझे एक्टिंग के बारे में। गौरी, पहला सबसे जो आपका आपने इस अभिनय की दुनिया में प्रत्यर्पण आपने कहा किया, सबसे पहला कौन सा आपका शो आया और क्या करना? हाँ जी, तो सबसे पहले मेरा आया था वी चैनल पे, आया था एक हीरो सीरियल का सीरियल था वो, और उसमें बहुत छोटा सा रोल था मेरा, कुछ ज्यादा बड़ा रोल नहीं था, छोटा सा रोल था उसमें, बहुत छोटी थी मैं, तो उस टाइम एक्सपीरियंस वो होता गया, बस होता गया और पता नहीं चला कि हो गया वो, हाँ हो गया, और किसी ने मतलब कोई प्रेशर नहीं डाला किसी चीज़ का कि नहीं अच्छा नहीं कर रहे, ये नहीं कर रहे, वो नहीं कर रहे, कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं किसी ने बोला। गौरी, ये जो फील्ड होते हैं अपने के फील्ड होते हैं कंजर्वेटिव होते हैं, पेरेंट्स हमारे बहुत ज़्यादा इस चीज़ इन चीज़ों से कंजर्वेटिव पेरेंट्स होते हैं, तो आपको कैसे कैसे माँ बाप आपको मिले जिन्होंने आपको अभिनय का समझ लिया? उन्होंने तो कहा कि जो करना है करो, पढ़ाई साथ में रखो, एक्टिंग भी करो, जो मन है करो, अच्छा काम करो, लेकिन उन्होंने कभी वो नहीं किया कि नहीं करना ये चीज़, उन्होंने कहा करो, वो हम जहाँ जहाँ लेके जाते हैं, हम तीनों भाई बहन जहाँ जहाँ उनको लेके जाते हैं वहाँ वहीं जाते हैं, वैसा नहीं है कि नहीं नहीं जाना मुझे, नहीं जाना, वो कहते चलो चलते हम साथ में चलते हैं ऐसे। तो हम ये माने कि इस मार्गदर्शक में आपके माता पिता का भी बहुत बड़ा रोल है और भाई का भी रोल है जिसने पहले अभिनय किया था और आपको इस। हाँ जी, हाँ जी, तो जब ऑडिशंस की बात आती थी, जब ऑडिशन देने जाती थी मैं, जब मैंने नहीं शुरू किया था काम, तो ऑडिशन देती थी सबसे पहले, तो सबसे जो सबसे बड़े भाई वो जाते थे साथ में और मेरे पापा जाते थे साथ में, तो बारिश में याद है, बारिश में जाते थे एकदम, बारिश बारिश के मौसम में एकदम बाइक पे जाते थे हम, उधर बाइक थी और कहाँ कहाँ घूमते थे कि हमारे लिए ऑडिशन है, हमारा ऑडिशन हमारे ले लो प्लीज ले लो, तो इसमें तो भाई का भी बहुत बड़ा है ना कंट्रीब्यूशन है इसमें और पापा का, मम्मी का। कौन सा सीरियल आपको, आपने इतना अभिनय किया आज तक, कौन से सीरियल में आपको काम करके ज्यादा मजा आया और कौन सीरियल है? सभी सीरियल बहुत अच्छे हैं, मतलब जहाँ तक, क्योंकि सब में
अलग अलग रोल करने का मौका मिला, अलग अलग मतलब के अलग अलग कैरेक्टर किए उसने, तो सभी बहुत ज़्यादा मेरे मुझे बहुत पसंद है सभी। आपके चेहरे से, आपकी आवाज़ से गंभीरता छलकती है, क्या आपको मतलब गंभीर जो रोल है, जिस जिन लोगों में जिन रोल्स में थोड़ी सैडनेस हो, वो रोल आपको ज़्यादा पसंद है? हाँ जी, इमोशनल रोल मुझे करना बहुत ज़्यादा पसंद है एक्चुअली, किए भी हम इमोशनल भी किया है, फनी भी किया है, सारी फनी भी किया है, हर टाइप का रोल किया है, पर ऐसा नहीं कि ज़्यादा इमोशनली किया, सभी किए हैं। गौरी, आप यहाँ पर आप पंजाब में हैं और आपका मन है कि हम पंजाब में अपने आप को आगे बढ़ाएं, और पंजाब की जो इंडस्ट्री है वो थोड़ी फनी इंडस्ट्री है, उसमें थोड़ा सा मजाक ज़्यादा रहता है, खुशी ज़्यादा रहती है, तो कैसे आप अपने आप को ढालोगी यहाँ के एटमॉस्फेयर के? वैसे ही एक्सपीरियंस के साथ, जैसे जैसे काम मिलेगा, जैसे मूवीज वगैरह देखती हूँ उसके हिसाब से जो सीखने को मिलता है उससे ही फिर मैं करूँगी। गौरी, पंजाबी भी बोल लेनी थोड़ी जी कि नहीं? हाँ जी, हाँ जी, मैं बोल दिया पंजाबी, मैंने बात की है पंजाबी। क्वेश्चन पूछो कोई, मैं फिर आंसर दे दूंगी। नहीं मतलब पंजाबी भी, जे तनु हम सपोज करो कि पंजाबी फिल्म दे विच किसी चित्र नु ब्रेक मिलता हैगा, ते पंजाबी फिल्म दे विच तू मतलब ओदा दी पंजाबी बोल सकदी आराम नाल? हां जी, हां जी, हां जी, बोल सकदी हां, क्योंकि पंजाबी गाने भी गाती हूं मैं, ते डायलॉग्स भी याद करती हूं, बट मतलब के इतना पंजाबी बोल ली नहीं, लेकिन नहीं फैमिली के सामने मेरी पंजाबी नहीं निकलती, मतलब बोल सकदी हां? हां जी, हां जी, हां जी। जिद्दां तुसीं कहा कि पंजाबी ते मैं गाने भी गानी हैगियां, ਤੇ ਇੱਕ ਗਾਣਾ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਲਾਈਨ ਜਾਂ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਪੈਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰੋ ਸ਼ੇਅਰ। ਜਿੰਨਾ ਮੈਂ ਮਨਾਵਾਂ ਰੁੱਸਦਾ ਹੀ ਜਾਵੇ, ਹੱਸਣਾ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂ ਉਹਨਾ ਵੀ, ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨੂੰ ਇਸ਼ਕ ਕਰਾਂ ਮੈਂ, ਦਿਲ ਮੇਰਾ ਸਮਝਾਵੀ ਟੁੱਟਦਾ ਹੀ ਜਾਵੇ, ਟੁੱਟਦਾ ਹੀ ਜਾਵੇ, ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਦਿਲ ਨੂੰ ਕੌਣ ਤੜਕਾਵੇ। ਗੌਰੀ ਜੀ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ 'ਚ ਦਰਦ ਛਲਕਦਾ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਰੇ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਰਦ ਹੈਗਾ ਔਰ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ, ਮੈਂ ਵੀ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਚਾਂਸ ਮਿਲ ਜਾਏ ਪੰਜਾਬੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਂ। ਗੌਰੀ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੈਰਰ ਵੀ ਤੂੰ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਸੀਆਈਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਆਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਖਤਰਨਾਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਆਈਆਂ ਔਰ ਸਿੰਪਲਿਸਿਟੀ ਵੀ ਆਈ ਹੈਗੀ ਆ, ਕਿਵੇਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਰੱਖ ਦਿਓ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ? ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਆਹਟ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਨਾਈਟ ਸ਼ਿਫਟ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਸਿਰਫ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਵੇਰ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ, ਨਾਈਟ ਸ਼ਿਫਟ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਲਦੀ ਸੀਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਹੈ ਨਾ ਗੋਸਟ ਦਾ ਰੋਲ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸੀ ਆਈ ਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਏਲੀਅਨ ਦਾ ਹੀ ਰੋਲ ਕੀਤਾ, ਕਿ ਮਤਲਬ ਏਲੀਅਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਹੈ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਟ ਏਲੀਅਨ ਵਾਲਾ ਗੈਟਅਪ ਹੈ ਪੂਰਾ, ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਸ਼ੂਟ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਪਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਪੋਰਟ ਸੀਗਾ, ਸਾਰੇ ਨਾਲ ਸੀ, ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ, ਇੰਨਾ ਡਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਠੀਕ, ਗੌਰੀ, ਅਗਰ ਹਮ ਬਾਤ ਕਰੇ ਕੋਈ ਭੂਤ ਕੇ ਰੋਲ ਕੀ, ਤੋ ਥੋੜਾ ਸਾ ਐਜ਼ ਏ ਭੂਤ ਵੀ ਆਪ ਹਮਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ ਕੇ ਸਾਥ ਥੋੜਾ ਅਟੈਚ ਹੋ। एक्चुअली भूत वाला जो किया था आर्ट, उसमें इतना वो नहीं था, डायलॉग नहीं थे, क्योंकि उसमें था कि भूत साइलेंट है और डरा रही है बस। नहीं, आप साइलेंट से ही थोड़ा हमारे दर्शकों को डरा कर दिखाना थोड़ा साइलेंट। मैं कैसे डराऊंगा, वो बाल एकदम एक्चुअली एनी हो, लेकिन आप आवाज वो स्टाइल तो आप बना सकते हो ना, कोई बात नहीं है। बाल खराब हो गए एकदम कर, उसमें था कि ऐसे एकदम ऐसे करके देख रही हूँ कि पूरा ऐसे है ना, एकदम बोलते हैं पंजाबी में टीर मार के देखना, कि ऐसे एकदम है ना पॉइंट करके देख रही हूँ उसको एकदम, एंड गायब कैमरे से गायब, ऐसे होता था। क्या आपका है अगर आज कोई इसी शो के माध्यम से कोई भी, क्योंकि विजुअलाइज भी बन रही हैं किसी
प्रोडक्ट में भी काम करना होता है किसी चीज में, तो क्या क्या तुम्हारे शौक है, क्या क्या तुम आगे बढ़ना चाहती हो? मेरे शौक एक्टिंग में है ही है, एक्टिंग तो है ही, सिंगिंग भी बहुत मेरा है कि मैं सिंगिंग में भी जाऊँ, तो एक्टिंग सिंगिंग है कि ऐड भी करूँ, मैं सीरियल भी कर दूँ, मैं मूवीज भी कर दूँ, अच्छा सा कोई चांस मिल जाए बस। और जिस तरीके का आज आपका धीरे धीरे आप आगे बढ़ रहे हो, अपने ब्रह को आपने कोरोना के समय भी डूबने नहीं दिया, आपने डेली प्रैक्टिस की, उसके बारे में क्या कहना चाहिए? प्रैक्टिस हमेशा मेरी होती थी कोरोना के टाइम भी, क्योंकि सिंगिंग होती है वो, तो वो गाने ऐसा तो है नहीं कि हम सुनते हैं, रोज सुनते हैं गाने, तो रोज सुनते हैं, तो उसके साथ साथ प्रैक्टिस भी साथ में होती है मेरी, प्रयास भी करती हूँ साथ में, और तो एक्टिंग भी, मूवीज भी देखती हूँ, क्योंकि डेली को कुछ ना कुछ एक एक्ट तो देखती ही देखती हूँ, क्योंकि देखना जरूर है और सीखना जरूर है। गौरी जी, अगर हमारे इस चैनल के माध्यम से कोई भी स्कूल वाले कॉलेज वाले ये चाहें कि तुम अपने बनाए की जो जैसे आप बनाए करते हो उसके क्लिप्स हैं, जो उसके स्टाइल है जो उसका, अगर वो लोग अपने बच्चों को, क्योंकि आजकल हर स्कूल हर कॉलेज में ये चीज़ें हैं जो आपने किया है, बनाए किया है, आपने आपने सिंगिंग की है, तो अगर कोई स्कूल कॉलेज वाले भी आपसे कॉन्टेक्ट करना चाहे कि आप हमारे बच्चों को, हमारे स्टूडेंट्स को थोड़ा गाइड करें इस लाइन में कि कैसे आपने गाइड करना, तो क्या आप स्टूडेंट्स को भी गाइड कर सकते हैं? गाइड कर सकती हूँ, जितना मेरा एक्सपीरियंस है मैं उसके हिसाब से गाइड कर सकती हूँ, नहीं तो किसी के बारे में बता दूंगी कि उनकी इंटरव्यूज देखो, उनसे जानो कि क्या एक्चुअली एक्टिंग का मतलब क्या है। गौरी जी, आप तो एक बहुत बड़ी, आपके पास डाटा है, और हम चाहेंगे कि इस चैनल के माध्यम से आज आप, हम लोगों ने, आपने हमें अपना कीमती समय दिया, आप बॉम्बे से आए और हमें समय दिया पंजाब प्लस को, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।